लिंक जो URL है किस तरह से चेंज करना है, ठीक है, नीचे में आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि मेरा URL चेंज। तो दोस्तों फिर से एक नेबलियम आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं URL के बारे में कि इस तरह से आप फेसबुक प्रोफाइल के URL चेंज कैसे किस तरह से करना। तो चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो। इससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाकर मिल जाए। चलिए मैं मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। और मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद आप यहाँ पे मेरा फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज का आप यहाँ पे देख सकते हो कि URL योर पेज लिंक, मतलब आपको लिंक जो URL है किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। तो सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरा आईडी है URL का, तो किस तरह से चेंज करना है चलिए मैं ले चलता हूँ कहाँ पर से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको क्रोम खोल लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्रोम खोल लेता हूँ। यहाँ पे क्रोम खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक लॉगिन, ठीक। चलिए मैं फेसबुक लॉगिन सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे फेसबुक सर्च करने के बाद आपको सामने इस तरह का बहुत सारा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको फर्स्ट या सेकंड पे क्लिक करना है, पर फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। तो सो मैं लॉगिन कर लिया हूँ और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप सेट पे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे जाके डेस्कटॉप सेट में कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको सामने इस तरह का जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपका जो प्रोफाइल हो या आपका पेज का हो, कुछ भी का हो, आपका पेज इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो फॉलो वाला बटन है, आपको फॉलो बटन नहीं आना चाहिए। फिर से आप रिफ्रेश करके देख सकते हो, जब तक फॉलो वाला बटन आएगा तो भाई आपका जो चेंज वहाँ पर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट का आ गया ऑप्शन, फिर रिफ्रेश करके लाइएगा तो आ जाएगा। एडिट करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ सामने कॉपी लिंक आएगा, सो आप इसको लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से आप ऊपर पे जाके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट करके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट पे करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे सेटिंग पे चले आओ। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लो सेटिंग। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेम जो है चैनल का ये पेज का है, और उसके नीचे आप URL जो US में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी आप नाम डाल सकते हैं, यूजर नेम, आप जो भी URL का नेम डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नीतीश NTO टेक वाला डाल देता हूँ, नीतीश NTO वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर लेना यहाँ पे। सो क्लिक करने के बाद आपका जो था वो URL चेंज हो चुका है। आप जाके देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो है URL, या तो इसे यूजर नेम कह सकते हैं, वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह का खुलेगा, आपको इस तरह से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। आपका सिंपली चेंज हो चुका है, बाय चांस आप यहाँ पे छेड़छाड़ करते रहोगे तो आपको कोई खाली टाइम पास होगा। तो चलिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, और मैं फेसबुक पे आपको दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके, ठीक है, कि मेरा URL चेंज हुआ है या नहीं। पेज था और पेज पे मैं URL आपको चेंज यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि मेरा URL चेंज हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर करते समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर।